जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे। हिंदी की फनी ट्रिक लेकर के फिर से आ गए हैं। रोज 9:30 बजे आपकी फनी ट्रिक वीडियो होता है हिंदी साहित्य, है ना। हिंदी साहित्य को हम पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JRF, PGT, TGT या फिर किसी भी प्रदेश की टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको सिर्फ वीडियो देखना है, कुछ भी कर नहीं करना है। सारी की सारी जो जितने भी प्रश्न लेकर के आएंगे सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको दोस्तों 2 सेकंड दिए जाते हैं और प्रश्न का उत्तर बताना है कि श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करें। जब तक मैं आपको बता देता हूं कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे, बल्लभाचार्य, है ना। सरहपा की एक रचना है दोहा कोश, ठीक है ना, सभी को पता है दोहा कोश है सरहपा की रचना। और आपका उत्तर हो जाता है श्री संप्रदाय की क्या हो जाता है, रामानुजाचार्य, है ना, रामानुजाचार्य। और दोस्तों आपको पता होगा कि देश के कोने कोने में हम क्या बोलते हैं, श्री, फिर क्या लगाते हैं, राम, क्या करते हैं, श्री राम। तो श्री संप्रदाय के साथ हमने राम जोड़ दिया, तो श्री संप्रदाय के कौन होंगे, रामानुजाचार्य, श्री राम, है ना। तो रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, ठीक है। विशिष्ट अद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, ठीक है। वैष्णव आचार्य थे, इन्होंने वैष्णव धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया, रामानुजाचार्य ने, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। दोस्तों आपको बताना है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, प्रबंध चिंतामणि। तो 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरुतुंग, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, मेरुतुंग हैं। और दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मेरु यानी पर्वत हैं, है ना, पर्वत शिखर है ना, हमने विभिन्न प्रकार के, तो हमें क्या करना है, पर्वत शिखरों का, मेरुओं का, मेरु का क्या करना है, प्रबंध करना है, मेरु का प्रबंध करना है। तो मेरु की हमें चिंता करनी पड़ेगी, जैसे हमारे लद्दाख का पठार है, लद्दाख के पठार में मेरु हैं और उनकी हमें चिंता करनी पड़ेगी, नहीं तो छीन लेंगे लोग, है ना। तो इसलिए मेरु की चिंता करना है हमें और उनका प्रबंध करना है। तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन होंगे, मेरुतुंग, ठीक है, याद रखेंगे। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। रोड़ा कवि की एक रचना है कौन सी, राउल बेल, राउल बेल है दोस्तों, शिलांकित कृति मानी जाती है, शिलांकित कृति, ठीक है, तो इसको याद रख लेना है, राउल बेल की, रोड़ा कवि की राउल बेल शिलांकित कृति मानी जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो अपना प्रश्न है वो क्या है उसको देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। और आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी का महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं, ठीक है। इसमें जो सर्ग है, सर्ग को क्या कहा जाता है, समय कहा जाता है, ये चीज आपको पता है। आदिकाल में अगर पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अब पृथ्वीराज रासो के जो है प्रमाणिक होने पर संदिग्ध है, विभिन्न लोगों ने, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। यहाँ पर पूछा है कि सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी ऐतिहासिकता। और आपको पता है दोस्तों कि पृथ्वी की ऐतिहासिकता पर भी विवाद है। कोई कहता है कि इस पृथ्वी के सृष्टिकर्ता विष्णु जी हैं,
कोई कहता है, विज्ञान कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी एक क्या थी, आग का गोला थी, पिंड थी, उसके फटने से विभिन्न ग्रह बने, पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी की ऐतिहासिकता पर क्या है, विवाद है। तो पृथ्वीराज रासो की भी ऐतिहासिकता पर क्या होगा, विवाद होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर क्या है, विवादास्पद है, सर्वाधिक विवादास्पद ऐतिहासिकता है। अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों, बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है। सबसे पहले तो ये बात होनी पता होनी चाहिए कि जो बीसलदेव रासो काव्य है वो किसका है, नरपति नाल का है। किसका है, नरपति नाल का है, ठीक है। अब इसके काव्य रूप क्या है, दो सेकंड में आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता है ना दोस्तों कि यहां पर क्या आ रहा है, देव और बीस। तो बीस देव, आपने पता होगा हम बीसों देव के गीत गाते हैं, बीसों देव, बोले हनुमान जी की भी पूजा कर लो, राम की भी कर लो, श्री कृष्ण की कर लो, है ना, मस्जिद में भी चले जाओ, बीसों देवों की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते, तो पूजा करते हैं और गीत गाते हैं, गीत गाते हैं। तो बीसलदेव रासो का जो काव्य रूप होगा वो क्या होगा, गीति काव्य, गीति काव्य, ठीक है। और बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है, नरपति नाल, ठीक है। और बीसलदेव रासो जो है दोस्तों, आपको पता है ये अजमेर के शासक के संबंधित है, ठीक है। अजमेर के शासक थे विग्रहराज, विग्रहराज इसके नायक हैं, ये भी याद रख लेना है। बीसलदेव रास के नायक कौन है अगर पूछा जाए तो विग्रहराज हैं, और इस श्रृंगारिक रचना मानी जाती है बीसलदेव रासो, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला देखो, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति बताना है। और दोस्तों आपने पता होगा यहाँ पर क्या आ रहा, भवभूति, भवभूति से नहीं लग रहा आपको कि भभूति, भभूति क्या करते हैं पंडा लोग, क्या करते हैं अपनी भभूति अभूति लगाई मुंह में, है ना, सब जगह टीका ईका लगाया, भभूति लगाया और भगवान के पास पहुंच गए और पुष्प चढ़ाने, क्या चढ़ाने, पुष्प चढ़ाने। तो अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाएगा, भभूति से भभूति लगा लो आप, तो किसे कहा जाएगा, पुष्प दंत को, क्योंकि हम भभूति अभूति लगाकर कहाँ पहुंचे, पुष्प चढ़ाने पहुंचे। तो पुष्प दंत, पुष्प दंत जी आपको पता होगा दोस्तों, ये अपने आप को क्या मानते थे, अभिमान मेरु मानते थे, इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु की उपाधि दी थी। इनका एक ग्रंथ है महापुराण, है ना, पुष्प दंत जी का, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, स्वयंभू, ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं, है ना। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो वो माना है किसने, राम कुमार वर्मा ने, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है, राम कुमार वर्मा। और सरहपा के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि सरहपा की जो रचना है ये कौन सी है, दोहा कोश है, है ना। सरहपा मैंने आपको कई बार बताया है कि आप कभी बोलोगे कि सर दोहा सुनाओ, सर दोहा सुनाओ, तो मैं वही वाला सुना दूंगा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भय पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित, वही वाला दोहा आता मुझे तो, है ना। तो सर दोहा सुनाओ, तो दोहा कोश सरहपा, सर से, है ना। और राम सिंह की कौन सी है, पाहोड़ दोहा, पाहोड़ दोहा, ठीक है, तो याद रखना है। अगला बताना, ध्यान मंजरी की रचयिता कौन है दोस्तों, ध्यान मंजरी की रचयिता बताना है, अग्रदास हैं, नाभादास हैं, कुंभन दास हैं, या फिर सूरदास हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका ध्यान अग्र कहीं नहीं जाना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पर जाना चाहिए, वीडियो पर जाना चाहिए, अग्र आपको आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान मंजरी के रचयिता कौन होंगे, क्योंकि ध्यान कहाँ नहीं जाना चाहिए, अग्र, तो अग्रदास, ठीक है। नाभादास के गुरु कभी कभी पूछा जाता है तो अग्रदास, ठीक है। कुंभन दास के गुरु पूछे जाते हैं तो बल्लवाचार्य, सूरदास जी के गुरु पूछे जाते हैं तो बल्लवाचार्य, इनको याद रखेंगे। नाभादास के गुरु अग्रदास, नाभादास की एक रचना है कौन सी, भक्तमाल, कौन सी है, भक्तमाल, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, हनुमान नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों, मैंने एक चित्र आपको दिया है, हनुमान जी के दर्शन करें और फिर हनुमान नाटक के रचयिता बताएं कौन हो सकते हैं। मैंने ये चित्र क्यों दिया है, इसलिए दिया है कि हनुमान जी अपना सीना हृदय फाड़ कर दिखा रहे हैं, हृदय फाड़ कर दिखा रहे हैं और बोले कि मेरे हृदय में देख लो सीता और राम विराजमान रहते हैं, मेरे हृदय को फाड़ कर देख लो सीता और राम विराजमान रहते हैं। तो हनुमान नाटक के रचयिता कौन होंगे, हृदय राम, क्योंकि हनुमान के हृदय में कौन होते हैं, राम होते हैं, हृदय राम। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब कभी भी आपसे पूछा जाएगा हनुमान नाटक रचयिता कौन है, तो हनुमान की बात आई है, बोले हृदय राम, हनुमान तो हृदय में राम को रखते हैं। ठीक है, तो वह नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना है दोस्तों, बरबे रामायण की रचयिता कौन है। बरबे रामायण चार विकल्प हैं, चार में से चयन करना, दो सेकंड आपको दिए जाते हैं। और एक चीज बताना दोस्तों कि जब तुलसीदास ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखी, तो एक चीज बताना कि रामायण पर आधारित इन्होंने रामचरितमानस लिखी, लेकिन इन्होंने बार बार नहीं पढ़ी होगी क्या इसको। हम कोई भी चीज़ पांच लाइन लिख देते हैं, पांच लाइन अगर कोई अच्छी सी पंक्तियां लिख दी, कविता लिख दी, तो हम बार बार पढ़ते रहते उसी को। तो तुलसीदास ने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, ये बार बार नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना बार बार, तो बार बार पढ़ी तो बरबे रामायण, बरबे से बार बार, बरबे रामायण के रचयिता कौन होंगे, बोले तुलसीदास होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या की, रामचरितमानस की रचयिता इन्होंने रचना की, रामायण की रचना की है ना, तो इन्होंने बार बार पढ़ी, इसलिए बरबे रामायण। याद रखना तुलसीदास जी राम काव्य धारा की पता है आपको, श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं है ना, जानकी मंगल है ना, बरबे रामायण और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, रामचरितमानस, ठीक है, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, ये सारी की सारी रचनाएं याद करना है तुलसीदास जी की। ट्रिक से मैं आपको याद करवाएंगे एक बात है ना, अग्रदास की हमने पढ़ी थी, कौन सी, ध्यान मंजरी पढ़ ली थी, और अग्रदास जो गुरु हैं अग्रदास वो किसके हैं, नाभादास के हैं। ठीक है, प्राणचंद्र चौहान की आपको पता है दोस्तों, प्राणचंद्र चौहान की भी इनकी रचना है, कौन सी है याद नहीं आ रही है मुझे, बहुत अच्छी है, पूछी जाती है, रामायण महानाटक, कौन सी है, रामायण महानाटक। हम बोल देते ना कि रामायण हमारे क्या हैं, प्राण हैं, रामायण हमारी प्राण है, तो रामायण महानाटक के रचयिता कौन होंगे, प्राणचंद्र चौहान। और पुष्पदंत के बारे में तो आपको बता दिया है दोस्तों कि इन्हें भवभूति, भवभूति कहा जाता है अपभ्रंश का, भवभूति पुष्पदंत को है ना, महापुराण इनका एक काव्य है, रचना है महापुराण, ठीक है। और पुष्पदंत जो हैं बहुत ही इन्होंने अपने आप को क्या कहा था, अभिमान मेरु कहा था, तो ये चीज़ भी आपको याद करनी है। और बरबे बार बार रामायण किसने पढ़ी थी, तुलसीदास ने, तो बरबे रामायण के तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है। हंस जवाहर की रचयिता बचाना है दोस्तों, हंस जवाहर, यहाँ पर जवाहर हीरा जवाहरात रखे हैं यहाँ पर, और आप कहीं गए हो काम करने और यहाँ से आपके जो हंस जवाहर क्या हो गए, गोल हो गए, जवाहर गोल हो गए, आपने पूछा कि जवाहर कहाँ गए, तो बोले हंस जवाहर खा गया, हंस जवाहर खा गया, क्यों खा गया हमें विश्वास नहीं है, बोले कसम से, कसम से हंस जवाहर खाए गए, तो कसम से तो कासिम शाह है, हंस क्या खा गया, जवाहर खा गया, तो कासिम शाह की हंस जवाहर है ना, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है ना, शेख नबी की ज्ञानदीप, उस्मान की चित्रावली, आपको रचनाएं याद करना है, ठीक है, याद करवा देंगे। सीतायन की रचनाकार कौन है दोस्तों, सीतायन, अब यहाँ पर आया है सीता, और दो सेकंड आपको बताना है, और ये भी बता देना है कि सीता जी किसकी प्रिया थी, किसकी थी, राम की प्रिया थी और उनकी शरण में रहती थी, बोले हमें आपकी शरण मिल जाए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, तो सीतायन किसकी रचना होगी, राम प्रिया, राम की प्रिया कौन थी, सीतायन है ना, सीता जी थी, इसलिए सीतायन राम प्रिया शरणदास, राम प्रिया शरणदास की रचना है सीतायन, कभी नहीं भूलोगे अब आप है ना, इस प्रकार से याद करना है ना। तो बताना है दोस्तों भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने कहा है, ईसाइत आप समझते हो, ईस, ईस बोल दो आप तो इसको, ईस बोल दो कि ईस की देन, ईस मतलब ईश्वर की देन है, वो तो भक्ति, तो आप लोग बोलते हैं, आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि हम तो ईश्वर के क्या हैं, संतान हैं, हम तो ईश्वर के सन हैं, हम तो ईश्वर के पुत्र हैं है ना, तो आपको जो भक्ति मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, ईश्वर से ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, जब आप ईश्वर के सन हो तो भक्ति भी आपको ईश्वर से ही मिलेगी, तो भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है, ईस ने ही देन, ईस ने ही दिया है, तो कौन मानेंगे, उनके सन मानेंगे है ना, किसके, ईश्वर के सन, ईश्वर के सन ने भक्ति आंदोलन को ईस की देन मानी है, ठीक है, तो सन यानी ग्रियर्सन, याद रख लेना है सभी लोग। और आपको पता है कि जनता की चित्तवृत्तियों की निराशा की भावना से रामचंद्र शुक्ल ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना कि ये तो स्वाभाविक होना ही था है ना, और
मुस्लिम आक्रमण भी ना हुए होते। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि मुस्लिम आक्रमण के कारण जनता की चित्तवृत्ति से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका स्वाभाविक माना है कि ये तो स्वाभाविक रूप से इसका उदय होना ही था। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला बताना दोस्तों, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? स्वर्ण काल, स्वर्ण काल, यहां पर स्वर्ण काल और स्वर्ण युग आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। स्वर्ण काल किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काल की बात जब आती है काल की, तो आपको याद रख लेना है कि ग्रियर्सन है ना। गैरों का स्वर्ण हमें कैसा लगता है? काल की तरह लगता है। गैरों का स्वर्ण हमें काल की तरह लगता है और खुद का स्वर्ण हमें सुंदर लगता है ना। खुद का स्वर्ण हमें स्वर्ण योग लगने लगता है, सुंदर लगने लगता है, लेकिन गैरों का स्वर्ण हमें काल की तरह लगता है। तो याद रखना है इधर से दोस्तों, स्वर्ण काल कहा ग्रियर्सन ने, और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्वर्ण योग किसने कहा, तो स्वर्ण योग किसने कहा? स्वर्ण योग श्याम सुंदरदास ने कहा, क्योंकि जो स्वर्ण योग है वो सुंदर होगा, काल काल होगा जो, तो काल की तरह देखेंगे गैरों के स्वर्ण को, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा। क्या कहा? लोक जागरण, इसको भी आपको याद रखना है। और दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो इन्होंने भक्ति काल कहा, ठीक है। ये चीज आपसे कभी पूछी जाती है याद रखना, स्वर्ण काल ग्रियर्सन ने, स्वर्ण योग श्याम सुंदरदास ने, है ना, लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। और कभी आपसे पूछा जाए स्वर्ण योग किसने कहा और ऑप्शन में श्याम सुंदर ना हो, तो ग्रियर्सन लगा देना, ठीक है, याद रखना। अगला बताना दोस्तों, आलबार शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको पता है कि आलबार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई? 12। हमने कैसे याद किया था? यहां पर दिया है 12, यहां पर क्या दिया? बार, तो बार से वारा। आलबार भक्तों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है। अब आलबार शब्द का अर्थ बताना है दोस्तों क्या होता है। आप लोग के लिए मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं कि आप जितनी बार भी आलबार ट्रिकी वीडियो देखते हो और आप क्या हो जाते हो? मग्न हो जाते हो। आप आलबार ट्रिकी वीडियो देखते हो और मग्न हो जाते हो, तो आलबार शब्द का अर्थ क्या होता है? मग्न होना, है ना। बोले सर मैं तो आलबार आपका ट्रिकी वीडियो देखता हूँ और मग्न हो जाता हूँ, है ना, तो मग्न होना आलबार का अर्थ होता है। और आलबार भक्तों की संख्या थी 12। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? सूफी काव्यधारा की बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न कवर होने वाले हैं। अब आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताना है, तो चार विकल्प हैं, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। तो एक क्रम से दिया है बिल्कुल दोस्तों, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो माना है वो ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा, किसे माना है? ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। और मैंने आपको याद करवाया था कि ईश्वर की कथा सत्य होती है, और इस कथा को हम एक बार नहीं, कितने बार पढ़ेंगे? 1000 बार पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे? 1000 बार पढ़ेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे मानेंगे? किसे मानेंगे? ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को, क्योंकि ईश्वर की कथा सत्य होती है और सत्य कथा को हम 1000 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 1000 बार पढ़ेंगे, तो इसको याद रखेंगे। असायत कृत हंसावली, असायत की रचना हंसावली, जिसका रचना काल 1370 है, ठीक है। मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379 इसका रचना काल है। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा 1501 इसका रचना काल है। कुतुबन कृत मृगावती 1503 इसका रचना काल है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? तो मृगावती को माना है, मृगावती को माना है, और प्रथम कवि माना है कुतुबन को। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जिसका रचना काल क्या है? 1503 है। अब एक क्रमबद्ध में अगर कभी पूछा जाए तो पहले हंस लिया करो, पहले हंसो फिर चांद को देखो, पहले हंसो फिर चांद को देखो, फिर सत्य कथा सुनो, और फिर क्या हो जाएगा आप, है ना, मृग को देखो। इस प्रकार से याद करना है कि पहले हंसो फिर चांद को देखो, सत्यवती कथा और मृगावती, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको जो आपकी क्रमबद्ध है ना दोस्तों, वो इसी प्रकार से याद करवा देंगे, क्रमबद्ध वाले जो आपकी रचनाएं हैं, जो आपके कवि हैं, उनको करवाएंगे, दिक्कत नहीं करना है। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता दोस्तों यहां पर क्या आया है? ताई,
और सभी के घर में ताई होती हैं। बोले हमारी ताई बहुत अच्छी हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हमारी ताई तो बहुत अच्छी हैं, मुझे नारायण जी की क्या सुनाती हैं, कथा सुनाती हैं, और बोलती हैं कि आप नारायण जी की कथा सुना करो, है ना, आपका क्या हो जाएगा, अच्छा होगा, आप एग्जाम में पास हो जाओगे। तो छिताई से आ रहा है ताई, और ताई किसकी कथा सुनाती हैं, नारायण जी की, है ना। तो नारायण नारायण और नारायण की कथा सुनाती हैं ताई। तो छिताई वार्ता के रचनाकार कौन होंगे, नारायण दास, ठीक है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है, तुलसीदास की हमने पढ़ ली थी, रामचरितमानस है ना 1574 इसका रचना काल माना जाता है, और अग्रदास की रचना हमने पढ़ी थी कौन सी, ध्यान मंजरी आपको याद रहना है, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है, मैंने तो आपको बता दिया है, क्या बता दिया कि रामायण हमारी क्या है, प्राण है, रामायण हमारी प्राण है, तो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन होंगे, प्राण है तो प्राणचंद चौहान, है ना, रामायण हमारी क्या है, प्राण, तो प्राणचंद चौहान एलटी ग्रेड, है ना। मैं पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कुतुबन की तो मृगावती अपने पढ़ ली है, तुलसीदास की अपन ने रामचरितमानस, है ना, वर्वे रामायण, रामज्ञा प्रश्न और कृष्ण गीतावली, ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। गोकुलदास की बात करें तो 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुलदास की रचनाएं हैं, है ना, इनको भी आपको याद रखना है। दोस्तों आगे पूछा जाता है श्याम सगाई के रचनाकार कौन है, श्याम सगाई, और दोस्तों जल्दी से बताना है, श्याम जी के जो बाबा थे वो कौन थे, नंद बाबा, आप लोग बोलते नंद बाबा, और नंद बाबा ने बोला कि श्याम अब क्या हो गए, बड़े हो गए हैं, अब इनकी क्या कर दी जाए, सगाई कर दी जाए, किसने सोचा, नंद बाबा ने, तो नंद बाबा ने श्याम की सगाई किसने की, नंद बाबा ने, तो नंददास, श्याम सगाई के रचनाकार कौन होंगे, नंददास। नंददास की दोस्तों क्या है, भंवर गीत भी है, भंवर गीत है ना, और रूप मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी भी इन्हीं की है, ठीक है, बहुत सारी है नंददास की रचनाएं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ट्रिक से, कभी नहीं भूलोगे आप। तो श्याम सगाई तो याद हो गई होगी कि नंद ने सोचा अब श्याम की सगाई कर दी जाए, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के प्रथम महाकवि माने जाते हैं दोस्तों, और इनकी जो महाकाव्य है वो कौन सा है, पद्मावत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही श्रेष्ठ है ना साहित्यकार हुए हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, इनको तो याद करेंगे ही। तुलसीदास को काली काल का जो वाल्मीकि कहा है वो किसने कहा है, वाल्मीकि बताना है दोस्तों, काली काल का वाल्मीकि किसने कहा है, जल्दी बताओ, काली काल का वाल्मीकि किसने कहा है, तो आपको पता है दोस्तों कि हम बोलते हैं काल आ गया, क्या आ गया, काल आ गया, तो काल कहाँ से आता है, धरती में से कि नभ से, आप देखते हो कि हे भगवान काल आ जाता मुझे तो उठा लेता, है ना, तो काल कहाँ से आएगा, नभ से आएगा, तो कली काल, कली काल का वाल्मीकि किसे कहा जाएगा, किसने कहा है, तो नावादास ने, नभ से आएगा काल, है ना, तो कली काल का वाल्मीकि नावादास ने कहा है, किसे, तुलसीदास को, ठीक है, याद करना है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है, तुलसी तरु, और तुलसी तरु की बात हो रही है दोस्तों, पौधे की बात हो रही है ना, और इसलिए इन्हें तुलसी तरु कहा गया कि तुलसी इतना पवित्र पौधा माना जाता है, और आपको पता है कि 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रदान करता है, दिन रात ऑक्सीजन प्रदान करता है तुलसी और पीपल के वृक्ष, है ना, बहुत ही पवित्र माना जाता है, और तुलसी के जैसी सरस्वती थी किसमें, तुलसीदास में, तुलसी तरु और तुलसीदास इस प्रकार से, तो ये मधुसूदन ने कहा है, ठीक है, किसने, मधुसूदन ने, और मधु मतलब होता है भौंरा, तो भौंरा किसके पास जाएगा, तरु के पास तो जाएगा, है ना, तो मधु तरु के पास जाएगा, इसलिए मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु कहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला बताना, भक्तमाल के टीकाकार कौन माने जाते हैं, भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास हैं, अग्रदास हैं, हेमचंद्र या फिर देवसेन हैं, तो आपको बताना है दोस्तों, भक्तमाल रचना है किसकी, नाभादास की, लेकिन भक्तमाल के कौन बताना है, टीकाकार बताना है, और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जो भक्त देते हैं, भक्त होते हैं, वो भगवान के प्रिय होते कि नहीं होते, जल्दी बताओ, भक्त भगवान के प्रिय होते हैं, इसलिए भक्तमाल के टीकाकार कौन होंगे, प्रियादास, कौन होंगे, प्रियादास होंगे,
तो आ नंबर आपको याद रख लेना, क्योंकि भक्त भगवान के प्रिय होते हैं। तो प्रियादास, ठीक है। अग्रदास की तो हमने पढ़ी ही थी कि अग्रदास की ध्यान मंदिरी, हेमचंद्र अपभ्रंश के व्याकरणाचार्य हैं, देवसेन दोस्तों हिंदी की प्रथम रचना है इनकी, कौन सी, श्राप का चार, ठीक है, श्राप का चार 933 ईस्वी जिसका रचना काल है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, अवधि, भोजपुरी, ब्रज या फिर मैथिली, तो इसकी भाषा आपको बताना है कमेंट में। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को इसका उत्तर बताना है, ठीक है, सभी लोग बताएंगे। और आपका जो पिछला चैलेंज प्रश्न था, चित्रलेखा किसकी रचना है, तो चित्रलेखा किसकी है, भगवती चरण वर्मा की। हमने कैसे इसको याद किया था कि हमें जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, जो हम रजिस्टर में पढ़ते हैं, जो नोट्स पढ़ते हैं, सबसे पहले पृष्ठ पर हमें चित्र बनाना है, किसका, भगवती का। भगवती का बनाओगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। इस प्रकार से हमने दोस्तों हिंदी साहित्य की निरंतर रोज अपनी क्लास चलती है सुबह 9:30 पर, है ना, जिसमें हम टिर्की बे में समझते हैं। शाम को रात्रि 9 बजे भी आपका टेस्ट होता है, है ना, विस्तृत अध्ययन करते हैं, टेस्ट होते हैं। तो हिंदी साहित्य की 2 क्लासें आपकी चलती है, सुबह 9:30 और रात्रि 9 बजे, ठीक है। तो इन जरूर देखें इनको। हिंदी व्याकरण की आपकी 8 बजे क्लास होती है, तो उसको देखें, वीडियो को लाइक करें। जो भी अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और दोस्तों व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप है अपना 9098609291, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जुड़ सकते हैं। इस पर मैसेज करेंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम में आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन, ठीक है, और फेसबुक पे आपको सुमित जैन सर्च करना है, और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है, और शेयर जरूर करना है, लाइक तो सभी लोग करेंगे। जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस, इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है, है ना, तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको OTP आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे।